मजदूर साथियों, पेंशन भोगी भाइयों और बहनों, कल माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव का जो श्रम मंत्री है, श्रम वन पर्यावरण मंत्री हैं, उनका प्रवास भोपाल में हुआ था। भोपाल में प्रवास होने के दौरान एक ESIC की बैठक भी संपन्न हुई यहाँ पर। उस ESIC की बैठक में माननीय मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और DG जो ESIC के हैं, इनकी संबंध बैठक हुई। भोपाल अस्पताल के संबंध में, पीथमपुर अस्पताल के संबंध में और नागदा के अस्पताल के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। इसमें नागदा के अस्पताल के संबंध में ये चर्चा हुई कि नागदा के अस्पताल को अपग्रेड करना और सेंट्रल द्वारा उसको चलाया जाना, इसकी प्रक्रिया जल्दी प्रारंभ की जाए। ज्ञात रहे कि इस संबंध में लंबे समय से मांग चल रही है। हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी ने भी इस संबंध में समय समय पर मांग की है। मैं आपके माध्यम से यही कह सकता हूं कि आने वाले समय में नागदा का ESI अस्पताल अपग्रेड होकर के अच्छा अस्पताल होगा, जिससे वहां के सभी मजदूर साथियों को उसका लाभ मिलेगा। इसी प्रकार पेंशन के संबंध में माननीय मंत्री जी से हमारी चर्चा हुई और माननीय मंत्री जी से हमने दो प्रकार के आग्रह किए। एक तो ये कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो असमंजस की स्थिति फैली हुई है विभाग में और आम पेंशन भोगियों में, 2014 के पहले ऑप्शन और 2014 के बाद का ऑप्शन, इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश विभाग द्वारा जारी किए जाए ताकि पेंशन भोगी उसकी अगली कार्रवाई कर सके। न्यूनतम पेंशन है, 2014 में 1000 रुपया न्यूनतम पेंशन की गई थी। पेंशन को रिवाइज करना था, लंबा समय बीत गया। इस संबंध में केंद्रीय जितने भी ट्रस्टी हैं EPF के, वो ट्रस्टियों ने भी मांग की है, केंद्रीय श्रम संगठनों ने भी मांग की है, सदन में लोकसभा और राज्यसभा में भी इसकी मांग हुई है। इस संबंध में हमने निवेदन किया है कि भाई न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपया की जावे और इसके साथ ही साथ अगर 10,000 रुपये नहीं होती है तो 5,000 रुपया पेंशन उसको DA के साथ में लिंक किया जाए। इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने विचार करने का आश्वासन दिया है। आने वाले समय में इस संबंध में कोई अच्छा परिणाम आने की संभावना है। इस प्रकार हम पेंशन भोगियों को भी आश्वस्त करते हैं कि आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी तो केंद्रीय मंत्री जी से और ESI कॉरपोरेशन EPF के अधिकारियों से और ESI के अधिकारियों से मिलकर के ESI के अस्पताल के संबंध में और पेंशन के संबंध में दिल्ली जाकर के भी चर्चा करेंगे और इसका समुचित समाधान निकले, इस प्रकार का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।